नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा पैसे की। प्रतिपक्ष के हमले बढ़ते चले गए जैसे ये खबर सामने आई कि 50% धन पिछले एक साल में बढ़ा है। तीन साल में गिरावट के बाद चौथे साल में ये पैसे में इजाफा हुआ है। करीब 7,000 करोड़ रुपए वहां जमा हुए हैं। सरकार चौतरफा गिरी है और पीयूष गोयल साहब ने अभी कहा है कि इसे काले दिन से या नोटबंदी के साथ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सुरजेवाला ने डिमांड की है कि सरकार को बताना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले 40 रुपए की बात हुई थी, ये वादा था सरकार का, और 100 दिन में 80 लाख करोड़ रुपए वापस लेके आने की बात थी। वो पैसे कहां गए? क्या ये वादा भी जुमला साबित हुआ? खैर चलिए, कैसे पैसा आएगा, कैसे जमा हुआ, क्या नोटबंदी के बाद हमारे यहां पे जो सिचुएशन थी उसको हमारे यहाँ का व्यापारी फेस नहीं कर पा रहा था, क्या वजह रही, हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और पहले आपको हमारा मजमून दिखाते हैं, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे सतीश गुप्ता साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं, आरपी विजय वर्गीय साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह जी चूरू कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और पूनम चंद जी भंडारी भाजपा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखें और फिर जुड़िए हमारे साथ। नोटबंदी मोदी सरकार का ऐसा कदम था जिसकी आलोचना भी हुई और तारीफ भी, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मोदी सरकार ने नोटबंदी करने के दावे किए थे उन दावों को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। काले धन में कमी का दावा करने वाली मोदी सरकार के लिए स्विस नेशनल बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट बड़े झटके की तरह है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 50% बढ़कर लगभग 70 करोड़ रुपए हो गया है। स्विस नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2017 के दौरान बैंक में जमा होने वाले भारतीयों के पैसों में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रुपया भी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इन मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अच्छे दिन केवल जुमले बन गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर कहां चले गए अच्छे दिन। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला आजादी के बाद था, ये बात कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और इस देश के सब अर्थशास्त्रियों ने कई बार कही। 19 महीने बाद काला धन सफेद बनाने का और काला धन धारकों की मदद करने के धंधे का पर्दाफाश हो चुका। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर काले धन या अवैध लेनदेन का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सरकार को जल्द ही स्विस बैंक का डेटा मिलने का भी दावा किया। कैसे HSBC, लिचेस्टाइन अकाउंट वगैरह के बारे में जानकारियां निकाल के उस पर उचित कार्रवाई की और लोगों के ऊपर कैसे काला धन जो जो रखते थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए स्विट्जरलैंड, साइप्रस और मॉरिशस और सिंगापुर सबके साथ अलग अलग ट्रीटीज करी और उस ट्रीटीज के माध्यम से काला धन रखने वालों के ऊपर प्रहार करना, किस प्रकार से डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज का जो दुरुपयोग होता था उसको रोकना। काले धन के मुद्दे पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार पर ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष किया। इधर बैंकों के एनपीए को लेकर भी सरकार पर मुश्किलें आई हुई हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि बैंकों पर एनपीए रिकॉर्ड 12.2% के स्तर पर जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस काले धन पर बड़े बड़े वादे मोदी सरकार ने किए, आखिर वो काला धन मोदी सरकार कब वापस लाएगी? या नोटबंदी जैसे उपाय भी काले धन के मामले में फेल साबित हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने सुना 13 साल की सबसे ज्यादा वृद्धि है और यही से सियासत शुरू होती है। सरकार को चारों तरफ प्रतिपक्ष की पार्टियों ने घेरना शुरू किया। क्या यह भी एक जुमला था? क्योंकि काला धन एक मुद्दा था, विदेशी बैंकों में जमा पैसा एक मुद्दा चुनाव के दरमियान रहा था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तमाम पार्टियों ने कोई ट्विटर के जरिए, कोई अपने स्टेटमेंट के जरिए सरकार को पूछा जाने लगा। तो पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि इसे नोटबंदी के साथ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ सतीश गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि विदेशी बैंकों में पैसा हमारे यहाँ पे एक सियासी मुद्दा तो रहा है, नोटबंदी के बाद और GST शुरू होने के बाद में ये माना जा रहा था कि टैक्स हेवन जैसी जगह तो इंडिया नहीं बचा, लेकिन सहजता के साथ तो ट्रांसपेरेंसी हर चीज में होगी, कानून भी सख्त किए गए, उसके बावजूद भी अगर पैसा इतना बाहर चला जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है। यहाँ के सिस्टम का कोई फेलियर माने इसको कि या बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जा तो पहले से भी रहा था, अब की बार मात्रा ज्यादा हो गई। स्विस बैंक का नाम आने से थोड़ा सा ज्यादा चर्चा का विषय बना है
और स्विस बैंक्स में जो पैसा पूरे वर्ल्ड में जो पैसा आया है उसकी ग्रोथ रेट 3% है, क्योंकि भारत से जो पैसा गया वो 50% बढ़ा है, तो चिंता का विषय, चर्चा का विषय इस कारण से है। परंतु पीयूष गोयल जी की बात को अगर अपन गंभीरता से अध्ययन करें तो चूंकि साल 2017 है और वो साल है जिसमें कि नोटबंदी वाला साल भी थोड़ा पीरियड आता है, साल 16 में जो हुआ, तो उसके बाद के ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि 7,000 करोड़ रुपया है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नोटबंदी से इसको लिंक नहीं कर सकते, कि नोटबंदी का जो असर था वो बहुत लाख करोड़ रुपए में था, इसलिए वो असर नहीं। लेकिन ज्यादा जाना जो हमारी सरकार की मंशा है ब्लैक मनी को रोकने की, उस पर प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से उठाता है, क्योंकि कानून इतने सख्त लाए गए और अभी भी उसके ऊपर पूरा जोर चल रहा है, पूरी इंक्वायरी चल रही है। तो ये पूरी जब इंक्वायरी होगी 7,000 करोड़ की, तब अपने सामने सारे फैक्ट्स आएंगे, कि क्योंकि अब सरकार बाध्य है, उन्होंने डिक्लेरेशन भी इसी माध्यम से किया है। एक दूसरी बात तो सोचने की, ये जो डिक्लेयर्ड अमाउंट इतना है, तो जो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है क्या वो भी बड़ा है, वो भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो ये इन सब बातों के एंगल में, एक तरफ जहां मैं ये मानता हूं कि ब्लैक मनी के ऊपर जो सरकार के प्रयास है उनके ऊपर ये हल्की चोट माने, चोट जरूर है, दूसरी तरफ जब तक पूरी चीजें सामने नहीं आ जाए, पूरी लिस्ट नहीं आ जाए कि किसका पैसा है, किस तरह से गया है, तब तक कोई भी एक पूरा आरोप लगा देना कि ब्लैक मनी का पैसा शायद बेमानी होगा। तो दोनों चीजें सामने आ जाए उसके बाद हम ज्यादा बेहतर चर्चा कर पाएंगे। जी विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस सीधा हमला कर रही है, अभी सतीश जी ने कहा कि बात सही है कि एक प्रश्न तो खड़ा होता, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ में हमारा एक एग्रीमेंट भी है जिसमें बताया जाएगा कि उनका फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा, वहां क्यों 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लगता है, वहां वो फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा तो अपने डेटा शेयर करेंगे इंडिया के साथ में, तो क्या इंतजार करना चाहिए हमें? इसमें साफ साफ दिख रहा है काले धन को लेके मोदी जी ने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया उसको, और कांग्रेस पे हमले किए, और अब दिख रहा है कि मोदी जी की जो स्कीम थी हमला करने की, कांग्रेस को भ्रष्ट बताने की, कुछ लिस्टें डिक्लेयर करने वाले थे वो, तो नाम तो एक भी नहीं आया किसी के पास, और 15-15 लाख रुपए, इतना पैसा आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए आम आदमी के अकाउंट में जमा होंगे। आम आदमी झांसे में आ गया, उसको अमित शाह भी बोल गए कि हाँ बिल्कुल चुनावी जुमला है। तो साहब जुमले बना के आप झूठे रिपोर्टें हैं, झूठे सब तथ्य करके, ये तो अभी जो है वो तो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, स्विस बैंक की है, स्विस गवर्नमेंट की ने शेयर करी है, तो ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे? पहले कैसे हम काला धन पहले का जो सारा जो धन है उसको काला धन बता रहे थे, अब कह रहे हैं कि ये पता करेंगे, पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि काला धन है कि नहीं है, ये जनता को भुलावा देने वाली बात है, और इसका जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा, और हम जवाब लेके रहेंगे, क्यों नहीं देंगे जवाब? इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया काला धन को, उसके ऊपर चुनाव लड़ा इन्होंने। पीयूष गोयल जी ने कहा पीयूष गोयल जी ने काला धन और नोटबंदी से इसे अलग रखने की बात कही है, और यह भी कहा है कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए हमें, इंतजार करिए कि जो एग्रीमेंट है, क्योंकि विदेशी धरती पे कहीं पे विदेशी बैंकों में पैसा जमा हुआ है, उस पैसे के लिए हमें इंतजार तो करना होगा कि इसके बाद में जब वहां का डिस्क्लोज होगा, वो अपनी जो जमा पूंजी है इंडियन पार्ट जो है उसमें, उसको जब डिस्क्लोज करेंगे तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर जब तक पूरा नहीं हो तब तक। शेखावत साहब, सर ये तो इन्होंने आरोप लगाते वक्त ये सब चीजें ध्यान में क्यों नहीं रखी? क्यों जनता को इतना बड़ा धोखा दिया? काला धन कहते पूरे देश में घूमते रहे, स्विस बैंक से इतना पैसा लाएंगे, तो क्यों नहीं उस वक्त ये आंकड़े काम में लिए कि मैं पहले पता करूंगा कितना काला धन है, हाँ। फिर मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। इन्होंने तो कह दिया खातों में आ रहे हैं, और 3 साल से जनता बेचारी रोजाना बैंक में जाती है, पता करती है कि मेरे खाते में कब आएंगे। तो बता चुके ना कि वो ऐसे आने वाले नहीं है। चले भंडारी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। भंडारी साहब, आप लोग भी हमला बोल रहे हो, कोई यकीन करेगा पीयूष गोयल साहब पे कि हमारा एक एग्रीमेंट है, वेट करना चाहिए हमें? पीयूष गोयल भाजपा पे कौन विश्वास कर रहा है मुझे बताइए? जुमलेबाज झूठ बोलने वाले लोग है ये, शुरू से टॉप से लेके बॉटम झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? 15 लाख खाते में रहेंगे, काला धन लेके आऊंगा वहां से। 4 साल ज्यादा हो गए, SIT गठित हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई थी, और वहां झूठ बोल रहे थे कि मामले कर दी गठित। क्या हुआ 4 साल में? नाम तक बता नहीं पा रहे हो आप। जब ये क्लियर कट आ गया, 7,000 करोड़ जमा हुए हैं उसके अंदर, तो अब वो क्या करें? नोटबंदी से मत जोड़ो, उससे किससे जोड़े फिर बता दीजिए आप। जब आपने सारा पैसा हमारे बैंकों में जमा करवा दिया,
नंबर वन का सारा पैसा हो गया, उसके बाद बैंकों में कुछ टाइम पहले खाली कैसे हुए थे, नोट चले कहाँ गए मुझे समझ आ रहा है। काला धन यहाँ है, वहां वहीं पहुंच गया, यहाँ ही पड़ा हुआ काला धन। मोदी कर कह रहे हैं जुमलेबाजी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, अगर चार साल में कोई काम किया मोदी जी ने तो बता दो आप, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दिया नहीं है। पेट्रोल के दाम के लिए मनमोहन सिंह पे व्यंग कसते थे कि मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्या भाव हो गया पेट्रोल का, 80 रुपए लीटर हो गया। खास खबर के साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश को नए अध्यक्ष मदन लाल सैनी मिल गए हैं और लंबे समय से ये कवायद चल रही थी आखिर अध्यक्ष कौन होगा। चले तो हम, मुद्दा ये था कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा रहा है उसको लेकर के मैं पहले भंडारी साहब के पास में था। भंडारी साहब, पीयूष गोयल साहब इस बात को कह रहे हैं, क्या थोड़ा हमें भरोसा नहीं करना चाहिए उन पे कि फाइनेंशियलर जो स्विस का होगा उसके बाद वो अपने फैक्ट्स को सबके सामने रखेंगे, शेयर करेंगे इंडिया के साथ में, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। 4 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं इन पे, देख लिया है जब इनके प्रधानमंत्री हमारे जो है वही झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं कांग्रेस ने पाप किया है, तो मैं कहता हूँ महापाप किया है उन्होंने। काला धन ला नहीं पाए, यहाँ व्यापारियों का पूरा व्यापार खत्म कर दिया, लोगों को रोजगार नहीं मिला। क्या कहते थे, लोकसभा में विधानसभा में जितने बैठे हैं भ्रष्ट लोग, क्रिमिनल लोग बैठे हैं, उनको बाहर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक को बाहर निकाला नहीं, किसी करप्ट को अंदर भेजा नहीं, इस पूरे देश को मैं कह रहा हूँ बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा लोन इन्होंने लिया है, और नोटबंदी और GST, नोटबंदी ने तो सत्यानाश कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ एक बात कि नोटबंदी के बाद सारे नंबर वन के पैसे हो गए सारे, अब वहां कैसे पहुंच गए पैसे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। बैंकों में कैश खाली कैसे होगा, वो पैसे कहां चला गया, ये 1300 करोड़ का ऑफिस बन रहा पार्टी का, देश के लिए आयो, देश के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना। लेकिन स्विस बैंक के पैसे की बात हम कर रहे हैं, स्विस बैंक के पैसे हो गए, इन्होंने SIT गठित की थी, क्या हुआ SIT का बताइए आप, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है, ये SIT गठित करने क्या फायदा हुआ, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, आप लोगों को नाम नहीं बताते, जो बड़ी बड़ी बातें ये करते थे रामदेव करते थे, इतना पैसा बाहर चला गया है, देश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है, तो SIT ने क्या किया, मोदी जी हमें बता दो उनके नाम तो बता दो कम से कम, कि जिन लोगों के पैसे वहां पर है और पैसे पहुंच कैसे गए। इन पर ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, कांग्रेस के ऊपर तो हो ही रहा है, इन पर ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या कहे थे कि काला धन लेके आऊंगा, लाने के बजाय भेज दिया, मोदी बंधुओं को बाहर भेज दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और ये 7000 करोड़ है, हम तो क्यों, हम जो ये पीयूष गोयल की बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं आपके पास में लौटूंगा अभी एक बार वापस, RP विजय साहब के पास में जाना चाहूंगा। विजय साहब, ऐसे वक्त ये जानकारी आई है जब इसी वित्तीय वर्ष में, अभी तो कंप्लीट भी नहीं किया हमने, 30,000 करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगा है, लॉसेस हुए हैं, नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेकर के भगे, नहीं सुनिए, ये उसके तुरंत बाद ही इंडियन इकोनॉमी पे जिस तरह का डॉलर फाइट हुआ है वो आपने देखा, और फिर स्विस बैंक की ये डिक्लेरेशन जो सामने आई है उससे सरकार पे सवाल होना लाजमी है, क्योंकि स्विस नेशनल बैंक SNB जो है उसने अपने डेटा जारी किए हैं जिसमें कहा है कि ये हमारे लिए इतना पैसा इंडियन करेंसी जो है इंडिया के लोग हैं उनका जमा हुआ है। तो क्या माना जाए इसे कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो देश के व्यापारियों को रास नहीं आ रही, या फिर काला धन जाने का जो सिलसिला था वो रुक नहीं पा रहा? योगेंद्र जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई काला धन, काला धन पहली बात तो क्या है, स्विस बैंकों में पैसा जमा हो जाने का मतलब काला धन नहीं होता है। मोदी जी कहते हैं, मेरे आप सुने, भंडारी जी सुन ले, फिर उसके बाद मैं बताऊं, काला धन नहीं होता है। और आज अगर आप पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कोई इवेंट में थे, वहां किसी पत्रकार ने उनसे पूछा भाई ये क्या चीज है, आप कह रहे हैं कि हम ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, बट वहां तो एक्चुअली जमा हुआ, तो उनका स्टेटमेंट एक ही था कि वहां पैसा जमा होने का अर्थ ये नहीं कि वो ब्लैक मनी जमा हुआ है, पहले तो इसकी हम छानबीन करेंगे। दूसरी चीज, साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि जो 38% पैसा है वो सिर्फ लाइबिलिटीज है, वो सिक्योरिटीज के रूप में जमा हुई है। तो जब सिक्योरिटीज के जमा 38% है 7,300 करोड़ रुपए में 2640 करोड़, तो वो तो सिक्योरिटीज का है, तो इसमें से तो कोई बढ़ने का या घटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें नाम बताओ ना कि सिक्योरिटी किसने जमा किया। आप सुनो मेरी बात, आपको मैं बता दूं, मैंने पिछली आपके चैनल पे पहले एक बार चर्चा में बताया था कि ये एग्रीमेंट अभी नवंबर 2017 का एग्रीमेंट है, फर्स्ट फ्रेमवर्क ये हमारा, आफ्टर इंटरेक्शन जो हुआ हमारा, एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन हो रही है, ये एक्सचेंज हो रही है, ये 1 जनवरी 2018 से लागू हुई है, और ये 31 दिसंबर 2018 के फिगर हम 1 जनवरी 2020। मेरा तो सवाल आपसे था, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी, मैंने दो सवाल आपसे खड़े किए थे, या तो ये है या ये है।
मैंने आपसे कहा था कि या तो हमारे सिस्टम पे व्यापारी को भरोसा नहीं रहा जो डिपॉजिट वहां किया जा रहा, या फिर काला धन हम नहीं रोक पा रहे, दोनों में कोई तो वजह होगी। 7,000 करोड़ रुपए हम यहाँ से लेकर के बाहर जमा कराने जा रहे हैं। एक बात बताता हूं, क्योंकि 3200 करोड़ रुपए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पैसा जो है ये 3600 करोड़ जो कस्टमर डिपॉजिट है, ये पैसा कस्टमर डिपॉजिट 3200 करोड़ रुपए है, 3640 करोड़ रुपए सिक्योरिटीज का है और 152 करोड़ रुपया कुछ दूसरी बैंकों ने वहां जमा कराया जी। ये इस तरीके के फिगर है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि चिदम्बरम साहब ने, आपको पता होगा 2013 के अंदर एक स्कीम लेके आए थे, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, उसके अंदर प्रत्येक नागरिक $2,50,000 जमा करा सकता है दूसरे बैंकों में विदाउट एनी हेजिटेशन। ये पैसा 40% पैसा, मैं आपको कह रहा हूं 40% पैसा इसमें वो है। ये आज पीयूष गोयल जी ने सब प्रेस के सामने ये जानकारी दी है। तो जब एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर, एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर कोई बात कहते हैं, आप उस पर विश्वास करेंगे? और कभी भी मीडिया ने यह नहीं कहा कि ब्लैक मनी, ये कहा कि ब्लैक मनी के जो दावे किए गए थे उसके विपरीत वहां पे 50% की वृद्धि हुई है। चलिए मैं सतीश जी के पास में जाना चाहूंगा। 2000 नहीं, सुनो मेरी बात, योगेंद्र जी, 2007 के अंदर, 2006 के अंदर जो 24,000 का फिगर था उसको कंट्रोल करते 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 4,500 करोड़ रुपए 2016 के अंदर गए। कैसे मैं कह रहा हूं काला नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब मोदी झूठ बोला कि स्विस बैंक में जो पैसा है उसको लेकर आऊंगा। झूठ बोला आप ही, वेट करो, आप ही नहीं, काला धन नहीं है वो। किसी भी सरकार एक सवाल नहीं किया था, आप ही काला धन नहीं है वो। अभी नवंबर मोदी झूठ बोल रहे थे एग्रीमेंट हुआ है स्विस बैंक में जो पैसा जमा है। छोटा सा सर मेरा एक सवाल है, अभी जैसा आपने पी चिदम्बरम को कोट किया अभी यहाँ पे, अगर उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ठीक नहीं थी जिन पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, 3 साल से आप उसे फॉलो कर रहे हैं, 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी अगर आपको कोई लेकुना ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से हम लोग कटघरे में आ सकते हैं, सबसे पहले तो आपको उसी को खत्म करना चाहिए था। आप उस पर ठप्पा और लगा रहे पीयूष गोयल साहब की, बिल्कुल उनका वो ऐसा किया हुआ था, ये तो पॉलिसी आप चेंज कर सकते थे। कौन सा संविधान में संशोधन की बात थी ये जो फिगर है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे, आप 14 का और 15 का जो फिगर देखेंगे या 15 और 16 का फिगर देखेंगे, वो पिछली बार 45% कम हुआ है। सब ये कंटिन्यूस कम हो रहा है, 23,000 करोड़ से घटता घटता ये 4,500 करोड़ आ गया। ये देखे सब जगह ये मटेरियल अमाउंट, मटेरियल अमाउंट नहीं है बट फिर भी चिंता का विषय है। उसके लिए पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अब इसके अगर कोई भी अगर दोषी पाया गया उसके विरुद्ध कार्यवाही। चलिए मैं सतीश गुप्ता साहब के पास में आना चाहूंगा। विजय साहब ने जो सवाल खड़े किए थे उनके जवाब दिए हैं, क्योंकि यहां पे सवाल यूं खड़ा हो रहा है कि अचानक पैसा बढ़ना 50% अमाउंट 7,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, नीरव मोदी जो लेके गए उनके आधे पैसे हैं। दूसरी बात, नोटबंदी के बाद इतना पैसा जमा हो रहा है, ये दो इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। आम आदमी पूरे स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ सकता, बैंक अकाउंट्स को नहीं समझ सकता, वो सीधा ये देता है अगर आज कोई कहता है कि नोटबंदी के बाद देखे भारत में पैसा जमा नहीं हुआ और विदेश में जाके पैसा जमा हो गया। बीजेपी को इसको उसी तरह से डिफाइन करना होगा, अदरवाइज तो देखिए अधकचरा ज्ञान कहीं पे भी होता है वो दुखदाई होता है, जिसके जो जहन में बैठेगा उसी तरह से उसको रिएक्ट करेगा। तो क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं, चाहे पीयूष गोयल साहब कह रहे हो चाहे आप विजय साहब कह रहे हो? मैं यहाँ पे इतना जोड़ना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो हम ये समझे कि खाली ये स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक का डाटा है, मैंने पहले भी कहा था एक बैंक का ये सारे बैंकों के डाटा नहीं है वहां के। हाँ, दूसरी बात हमें ये समझ नहीं आ रहा, सैंपल कह सकते हैं इसको तो सरकार जब हमारी सहमति हो गई है उनसे, टेटी हो गई है, तो जो जवाब आज पीयूष गोयल जी को देना पड़ा है जो स्पष्ट नहीं, वो स्पष्ट क्यों नहीं है? हम वहां से जवाब मंगवा करके जब इतना बड़ा सवाल देश में उठा खड़ा हो रहा है तो हमें जवाब देना। तीसरा बात जो महत्वपूर्ण है वो सरकार की मंशा पे कहीं शक नहीं, सरकार ने 6 महत्वपूर्ण संशोधन पिछले 4 सालों में ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किए। पहले उन्होंने फॉरेन एसेट के ऊपर किया, वहां वो फेल हुए, फिर बेनामी प्रॉपर्टी पे किया जिसकी आपने देखा होगा जयपुर राजस्थान में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेकर के आए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर के आए, डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, डिमोनेटाइजेशन का भी इफेक्ट आपने देखा होगा कि उस समय 16 लाख करोड़ रुपया था, आज 18 लाख करोड़ रुपया कैश चलन में। तो ब्लैक मनी के कदमों के बावजूद भी वो कदम साकार नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रही है, उनके ऊपर एक सख्त प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे कि हम ये सिंपल कह के बच नहीं सकते कि ये पैसा वाजिब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वाजिब हो सकता है, लेकिन इसका वाजिब है तो उसका तुरंत जवाब आना चाहिए ताकि पब्लिक के दिमाग से जो सरकार की भ्रांति है वो निकले।
निकले, बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास आऊंगा शेखावत साहब, समय हमारे पास में कम है, मैं थोड़ा थोड़ा वक्त चाहूंगा आपसे। अभी आपने सुना, विजय साहब को भी सुना, आप पीयूष गोयल साहब भी, लबो लो आप यही बात कर रहे हैं कि थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए, और विजय साहब ने कहा कि ये कोई ब्लैक मनी वहां जमा हो रही हो, ऐसा नहीं, पॉलिसी आपकी जो थी, चिदंबरम साहब ने जो बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये पैसा जा सकता है। जब चिदंबरम साहब की पॉलिसी आज भी चल रही है तो वो गलत कहां थे, क्यों इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, और हर आज ये अलग अलग तरह की सफाइयां दे रहे हैं कि ये इसमें डिपॉजिट है, तीन तरह के डिपॉजिट है, ये उस वक्त क्यों नहीं दिया, तब तो ये बता रहे थे कि जो धन विदेश जाता है, स्विस बैंक में जाता है, वो सारा काला धन है, और उस काले धन को लेके ऐसा बखेड़ा बनाया इन्होंने, ऐसे मोदी जी ऐसे दिखाते थे जैसे लिस्ट उनकी जेब में है, वो हम तो कहते हैं वो लिस्ट कहां है, दिखाइए ना आप, क्यों नहीं दिखाते, ये भ्रम पैदा करके वोट जीतने की राजनीति थी तब भी है, अब आपको लगता है कि अब क्यों सफाइयां दे रहे हैं, तो इन्हें इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चलिए भंडारी साहब, उस वक्त इन्होंने कांग्रेस को ऐसे भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की, जैसे सारा काला धन जो है कांग्रेस के लोगों का है, लेकिन अब वो कहां है, हवा निकल रही है कि सारा पैसा ब्लैक मनी में हो, क्योंकि पैसा स्विस बैंक का नाम आते ही लगता है कि काला धन वहां चला गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे एक फेयर अमाउंट भी हो सकता है। भाई हम तो हमारे मोदी जी पीएम है, उन पे भरोसा करते हैं, जो पहले साल स्विस बैंक में था उसके लिए वो सारा कहते काला धन है, इसे हम कहते काला धन है। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से वहां जमा क्यों कराया जा रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है, इस देश के अंदर पैसे जरूरत है, इस देश में बैंकों की हालत खराब है, जब बैंकों की हालत खराब हो रही है, बैंक डूबने की स्थिति में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां क्यों जमा करा रहे हैं। बिल्कुल आपका सवाल लाजमी, एक बार विजय साहब से मैं जवाब लूंगा। विजय साहब आपने सुना कि चलिए अगर पैसा फेर भी है तो हमारे यहाँ पे यकीन नहीं हो पा रहा हमारे सिस्टम पे, अगर यकीन नहीं होता तभी तो हम दूसरी जगह जाते हैं। योगेंद्र जी एक तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये जो पैसा है ना ये सिर्फ इंडियन का पैसा नहीं है, एनआरआई का भी पैसा है, जो इंडियन एनआरआई बाहर रह रहे वो अकाउंट भी इसके अंदर शामिल है, वो पैसा भी इनका एक्चुअल पैसा हो सकता है जो नंबर एक का हो, तो इसमें ये फिगर है, फिगर इतना बड़ा नहीं है, ये अपन कंपेयर करते हैं, उनका भी ना मान लो नहीं, तो इंडिया जो कहते हैं वो कराने, लेकिन जो एक बात सही जा रही है, मोदी जी ने भी किया तो नेशनल बैंक का फिगर, एक बात बैंक और भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, वो सेंट्रल बैंक है और वही बैंक है, वही डाटा रिलीज करता है, उसी से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब जो एग्रीमेंट जितने भी बैंक है वो सारे फिगर उनके पास है और वही डाटा रिलीज करता है, तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, शॉर्ट में शॉर्ट समय में आपको, दूसरी चीज जो आप ही कह रहे थे, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो डाटा रिलीज करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो 31 दिसंबर के बाद में देंगे, और ये पहला ईयर है जब से ये लागू हुआ है, इससे पहले आज तक मैंने आपको पहले भी कहा था कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये सरकार ने विजय साहब मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है हमारे पास में, तो चलिए ये जो आंकड़े हैं इस पे सरकार की साफ सफाई है कि 31 दिसंबर को जब उनका वित्तीय वर्ष कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको ये आंकड़े मिलेंगे, तब तय होगा कि ब्लैक मनी है, एनआरआई का पैसा है, ये फेयर अमाउंट है, और इसको स्पष्ट किया अभी विजय साहब ने कि एसएनबी जो स्विस नेशनल बैंक है अकाउंट वो ही डिस्क्लोज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का बैंक्स का बना रखा है वहां पे, इसी के माध्यम से होगा, एग्रीमेंट भी इसी के साथ में हुआ है, अब आने वाले दिनों में तय होगा कि वास्तव में पैसा किसका है, कैसे है, क्या है, अगर सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पाई है तो 2019 के लिए ये भी एक प्रतिपक्ष का एक मुद्दा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।